नमस्कार दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए नीड फॉर ऑल चैनल को और साथ में बेल आइकन को दबाइए तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं बबुल आपको स्वागत करता हूँ आपके ही चैनल नीड फॉर ऑल पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हम कैसे जानेंगे कि हमारा जो सिम है वो मेरे हमारा खुद के नाम पर है या नहीं, या हमारा जो आइडिया में आइडिया के सिम के बारे में बताऊंगा कि आप जो लोग आइडिया सिम यूज कर रही हैं और पहले से ही आप जो भी सिम खरीद के आप यूज करते हैं उसके बारे में आपको जानकारी नहीं है, क्योंकि आपको ऐसे दुकान में बहुत सारे सिम आप फ्री में भी और बहुत दूसरे लोगों के एड्रेस में आपको सिम ले गए थे, लेकिन आपको पता नहीं कि सिम मेरे नाम पर है या नहीं। आप बहुत कोशिश करने के बाद भी आप पता नहीं सकते कि आपका नंबर, आपका सिम आपके नाम पर है या नहीं। अगर नहीं है तो आप कैसे जानेंगे, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। मैं इस वीडियो में सिर्फ आइडिया सिम के बारे में बताऊंगा। तो आइडिया नंबर जिसने यूज करते हो, आप अपने नंबर पर, अपनी सिम पे अपना नंबर पर है या नहीं उसके बारे में जानने के लिए ये वीडियो को आप देखते रहिए। और इसी ऐप के बारे में आप अपनी मोबाइल डाटा और बैलेंस बहुत कुछ कर सकते हैं। और पहले जानते हैं आप अपने नंबर को कैसे जानेंगे, हमारा नाम हमारा सिम पे है या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले प्ले स्टोर ओपन कर लेते हैं। प्ले स्टोर पे लिखिए माई आइडिया। देखो यहाँ पर आ गया है सबसे ऊपर माई आइडिया रिचार्ज एंड पेमेंट, ठीक है। उसको क्लिक कर लीजिए और इंस्टॉल कर दीजिए, ठीक है। इंस्टॉल करने के बाद मैं उसको पहले से इंस्टॉल कर चुका हूँ, इसीलिए मैं आपको ओपन करके डायरेक्ट दिखाऊंगा। जब वो ओपन हो जाएगा उसके बाद इस तरह का इंटरफेस आएगा और वो आपको आपका नंबर मांगेगा, क्योंकि आपको पता है आपका नंबर क्या है बस, लेकिन किसके नाम पर है ये आपको मालूम है। तो पहले इसके यहाँ पर नंबर डाल दीजिए, मैं अपना नंबर डाल देता हूँ, ठीक है। उसके बाद इससे क्लिक कर दीजिए नेक्स्ट पर। उसके बाद एक उसी नंबर पे जिस नंबर पे आप डाले हैं उसके नंबर पर एक OTP जाएगा और उस OTP ऑटोमेटिकली वो प्रोसेस कर लेगा। उसके बाद देखो अपने आप ये नंबर किसके नाम पर है यहाँ पर दिखा दे रहा है, ये लता नायक के नाम पर इस सिम रजिस्टर्ड हुआ है और ये मेरे मौसी है, ठीक है। उसके बाद आप उसको लेटर कर लीजिए और इसका भी जो मेन इंटरफेस है उसको दिखा दिया। बैलेंस रिमाइनिंग यानी कि मेरा जो 4G बैलेंस है वो 154 MB है और मेरे इसके में टक टाइम बैलेंस कुछ नहीं है, ठीक है। अगर व्यू पैक डिटेल पर देखना चाहते हो यहाँ पर कितने वैलिडिटी, जो आप नेट का डाटा डाला है उसका वैलिडिटी क्या है ये दिखा दे रहा है, और आपका जो भी मेन बैलेंस है कितना है और उसका वैलिडिटी ये डिटेल आपको दिखाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अगर आप रिचार्ज करना चाहते हो तो अपने नंबर पर यहाँ पर रिचार्ज पर क्लिक करके अपना नंबर डाल के आप रिचार्ज कर सकते हो, ठीक है। तो पहला मकसद हमारा था कि हम जो भी पहले से सिम खरीद लेते हैं उसका नंबर नहीं जान सकते और उसके वजह से हम जब आइडिया सिम के पास, आइडिया डिटेल के पास जाएंगे, वो आपको बहुत कुछ जानकारी मांगेगा। अगर आपको दे नहीं सकते किसके नाम पर है, उसका एड्रेस क्या है, वो आपको दूसरा सिम नहीं देगा अगर आपका सिम बदलना चाहते हो, ठीक है। तो अब अभी तो बहुत स्ट्रिक्ट हो गया है आधार कार्ड जोड़ने के लिए और अभी तो आपको डायरेक्ट थंबल लेकर लगा कर आपको सिम खरीदना पड़ता है। तो पहले से जिन लोगों ने सिम खरीदा है उसके लिए ये आइडिया ऐप बहुत काम पे आएगा, ठीक है। तो ये था सिम के किसके बारे में जानने के लिए ये आइडिया। तो मुझे लगता है मेरी आप वीडियो ये इन्फॉर्मेशन आपको छोटा सा इन्फॉर्मेशन को अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करने के लिए ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय।